आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्मे इनसाइट सॉफ्टवेयर में से बारकोड आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं, परचेस बिल, लेबल जनरेशन, पैकेजिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स में ऐड किए गए प्रोडक्ट्स के बारकोड प्रिंट करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F2 की प्रेस करें या फिर प्रिंट इस बटन पर क्लिक करें। प्रिंट बारकोड फॉर एंटर्ड आइटम, ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आइटम का नाम, मैन्युफैक्चरर, उसके एट्रीब्यूट्स, साइज, लेबल नंबर, क्वांटिटी, सेल्स रेट और प्रिंट काउंट, ये कॉलम्स आप देख पाएंगे। प्रोडक्ट का बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करके प्रिंट सिंगल लेबल इस बटन पर क्लिक करें या F2 की प्रेस करें। प्रोडक्ट के जितने लेबल प्रिंट करने हैं उतनी क्वांटिटी टाइप करें। बाय डिफॉल्ट बिल में ऐड किए गए क्वांटिटी जितने ही लेबल प्रिंट करने की क्वांटिटी आपको दिखाई देती है। अब ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद लेबल की प्रिंट आ जाएगी। बिल में मौजूद सभी प्रोडक्ट्स के लेबल की प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एंटायर डॉक्यूमेंट इस बटन पर क्लिक करें या F4 की प्रेस करें। बिल में मौजूद सभी प्रोडक्ट्स के लेबल की प्रिंट आ जाएगी। बिल में मौजूद प्रोडक्ट्स में से कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लेबल प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने का प्रोडक्ट मार्क कर लें। इसके लिए मार्क आइटम्स इस बटन पर क्लिक करें या F3 की प्रेस करें। अब मार्क किए गए प्रोडक्ट्स के लेबल प्रिंट करने के लिए प्रिंट मार्क्ड आइटम्स इस बटन पर क्लिक करें। सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट का एक ही लेबल प्रिंट करने के लिए वन लेबल फॉर ईच आइटम, ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। जबकि प्रोडक्ट के बिल में मौजूद क्वांटिटी जितने लेबल प्रिंट करने के लिए लेबल्स एज पर क्वांटिटी फॉर ईच आइटम, ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। आइटम वाइज बारकोड फॉर्मेट अलग अलग होगा, तो चेंज बारकोड फॉर्मेट इस बटन पर क्लिक करके सिलेक्टेड आइटम को बारकोड की PRN फाइल सेट की जा सकती है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बारकोड की प्रिंट ना आने पर क्या करना चाहिए? प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई भी मैसेज डिस्प्ले ना होते हुए बारकोड की प्रिंट रिसीव ना होने पर पहले प्रिंटर ऑन है या नहीं एक बार चेक कर लें। प्रिंटर ऑन होगा बट रेड लाइट लगी होगी तो प्रिंटर में पेंडिंग प्रिंट्स हो सकते हैं। पेंडिंग प्रिंट्स होने पर वो डिलीट कर ले। और रेड लाइट दिखने का दूसरा रीजन, मतलब प्रिंटर में लेबल का रोल या रिबन प्रॉपर सेट नहीं होता है, तो वो प्रॉपर सेट कर ले और फिर से प्रिंट कमांड दे। फिर भी प्रिंट रिसीव ना होने पर संबंधित बारकोड प्रिंटर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में से टेस्ट प्रिंट दे। टेस्ट प्रिंट ना आने पर प्रिंटर इंस्टॉल करते समय USB केबल जिस पोर्ट में अटैच की गई थी उसी पोर्ट में अटैच्ड है या नहीं एक बार चेक कर लें। प्रिंटर की टेस्ट प्रिंट ना आने पर हार्डवेयर वेंडर से कॉन्टैक्ट करें। बारकोड स्कैन क्यों नहीं होता? हर एक बिल में मौजूद पहला लेबल प्रिंट करने के बाद वो स्कैन हो रहा है या नहीं एक बार चेक कर लें। प्रिंटर में लेबल का रोल प्रॉपर सेट ना होने पर बारकोड के कुछ लाइन्स लेबल के बाहर प्रिंट होने से ऐसे लेबल्स स्कैन नहीं होते हैं। या फिर रिबन प्रॉपर सेट ना होने पर लेबल सही से प्रिंट नहीं होगा और वो स्कैन नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में दिखने वाला लेबल नंबर और लेबल पर प्रिंट हुआ लेबल नंबर अलग अलग क्यों दिखता है? मल्टीपल फॉर्म्स होने पर सभी कंपनीज में लेबल नंबर की शुरुआत एक नंबर से होती है। संबंधित लेबल नंबर का स्टॉक सभी फॉर्म्स में होने पर जिस समय मल्टीपल फॉर्म्स में मौजूद प्रोडक्ट्स का एक साथ बिल बनाया जाता है, उस समय संबंधित लेबल नंबर स्कैन करने के बाद एप्रोप्रिएट फॉर्म में का प्रोडक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। इसीलिए एक्मे इनसाइट ने लेबल के प्रिंट पर कंपनी कोड प्रिंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। जैसे कि कंपनी कोड 1 वाले फॉर्म में से लेबल प्रिंट करते समय सॉफ्टवेयर में लेबल नंबर 48512 ऐसा दिखाई देता है, जबकि लेबल पर -1 48512 ऐसा प्रिंट होता है। यही लेबल नंबर कंपनी कोड 2 में मौजूद फॉर्म में से प्रिंट करने पर -2 48512 ऐसे प्रिंट होता है और कंपनी कोड 3 में मौजूद फॉर्म में से -3 48512 ऐसे प्रिंट होता है। इस तरह से एक्मे इनसाइट सॉफ्टवेयर में आप बारकोड की प्रिंट ले सकते हैं।